क्या ये पैसे लगाने का समय है आप बोल भी रहे हैं कि एक किस्त आपने पहले भी कहा था लगाने के लिए ये आज तो डेफ़िनेटली लगानी चाहिए अगर इन लेवल्स पर लोग ले रहे हैं या कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कहेंगे दो चीज़ें हैं इसमें देखिए आप अगर ये आपके पास पैसे लगाने के दो ही तरीके हैं या तो एक बार आप बहुत श्योर हो जाएँ कन्फर्म हो जाएँ कि भाई मैं आ, मुझे पता बॉटम बन गया अब मैं लगाऊँगा तब आप कभी भी बॉटम पर नहीं लगा पाएंगे वहाँ से एक अच्छी रिकवरी के बाद ही पैसा लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में आप सोच रहे थे तो तीन परसेंट आज नीचे से रिकवर हो गया करेक्ट तो so आप फिर बॉटम पे कभी लगाने की सोचिए भी मत इसका मतलब है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं ज्यादा लाइफ में उठा पटक नहीं करनी उछल कूद नहीं करनी जब मुझे लगेगा कि ठीक हो गया तभी लगूँगा मुझे कम बने पैसा चलेगा लेकिन मुझे रिस्क नहीं चाहिए विच इज़ ऑल्सो फेयर करेक्ट दूसरे तरीके के वो लोग जो मुझे बिल्कुल है ना मतलब एकदम बॉटम के आसपास ही लगाना है वो आपको तब लगाना जब पैनिक का माहौल बहुत होता है लेकिन इसका मतलब ये कि जहाँ आप सोच रहे हो पैनिक पैनिक वहीं पे ख़त्म हो जाए पैनिक उससे पहले भी खत्म हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है आपके पैसे लगाने के बाद भी तो वहां पे भी आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि मैंने बॉटम पे लगाए है क्योंकि आप सोचे हो बॉटम है या तो बॉटम बनने के पहले ही मार्केट घूम जाए कई बार तेजी का बड़ा मार्केट कई बार ये कि जहां आप सोचे उससे पैसा लगाने के बाद और घट जाए क्योंकि आपके हिसाब से बॉटम वहां मार्केट के हिसाब से शायद ना हो तो दोनों केस में आपके लिए एकदम सही जगह पैसा लगाने का चांस कम हो जाता है।, है। तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है तीसरा ऑप्शन वो है जो आप ये डिसाइड कर लें कि भाई आपको यहां से लेकर कहां तक आपको पैसा डालना है कितना करेक्शन आए तो मैं डालूंगा और उसको आप कुछ टुकड़ों में बांट दो दो टुकड़ों में चार टुकड़ों में छह टुकड़ों में आठ टुकड़ों में आपको जैसे डालना सो so, मेरा ये मानना था हमने क्लियर कट कहा था अठारह दो सौ पचास अठारह तीन सौ पचास की रेंज में आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए अठारह आठ सौ उन्नीस हजार के रेंज में दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए तो मैं आपको ये बता दूं दीप आज मैंने इस रेले आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है आपने लगाया मैंने पर्सनल डाला है थोड़ा पैसा, मैंने डाला है तो मुझे लगता है कि लेवल्स ठीक है या म्यूचुअल फ़ंड में आप डाल सकते हैं एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आप डाल दीजिए जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप सारे कैप हों तो फंड मैनेजर तो की इच्छा के हिसाब से वो जैसे जिस जिस जगह लगाना चाहे अपने अपने रिस्क कैपिटाइड है और मैं डालता हूँ मुझे लगता है कि जब भी बने पैसा ठीक है नहीं बने तीन साल पाँच साल मुझे तो रखना है वो थॉट प्रोसेस आपकी है अगर आप तीन साल पाँच साल का सोच के लगाते हैं तो हो सकता है तीन छः महीने में, में बन जाए अब तीन छः महीने के लिए लगाए तो हो सकता ना बने तीन साल और होल्ड करना पड़ जाए और बाद में वहाँ क्योंकि आपके सामने आ, ग्लोबल टेंशन है आपके सामने असेंबली इलेक्शन है यूनियन इलेक्शन है अगले छः आठ महीने साल भर बहुत सारी इवेंट्स हैं इवेंट और ग्लोबली और जो हमको नहीं पता वो होगी उसका क्या मालूम करेक्ट अमेरिका की इकोनॉमी ब्याज दरें महंगे पचास चीज़ें हो सकती है सो आप व्यू कम से कम तीन साल का लेकर और यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाइए आपको 25 परसेंट डालना है 10 परसेंट डालना है 35 परसेंट डालना है ये अपना अपना कॉल हो सकता है कि भाई आप कितना नीचे की डाउन साइड दे, देखते हैं या आप कितना देखने को तैयार है आपको लगता है नहीं मुझे तो बहुत सेफली चलना है सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा हर पाँच पॉइंट फोन पे मैं डालूंगा या हर दो परसेंट या हर एक परसेंट फोन पे डालूंगा आप अपने मन में बिठा लीजिए मुझे यहाँ बीस हज़ार की निफ्टी मुझे अठारह हज़ार बोटम लगता है फॉर एग्जांपल क्योंकि अठारह हज़ार पे आप सोचेंगे बॉटम का लगता है तो आप कभी ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि अठारह हज़ार पे तो वोटमेंट अठारह हजार आने के बात तो लगेगा ही नहीं फिर तो सोलह हज़ार लगेगा सोलह आ गया तो चौदह लगेगा तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे हिसाब से इतना ही गिरना चाहिए इतना गिरे तो मेरे लिए हेल्दी करेक्शन है और फिर आप लगाना शुरू कर दीजिए तो मैं तो ये ऐसे सोच के लगाता हूँ एस जो चलती है उसे चलने दीजिए अगर आपको लमसम पैसा लगाना है तो आज आपके लिए समय है है मौका होता है। बिल्कुल थोड़ा पैसा तो आपका जाना ही चाहिए जो टाइम करना चाहते हैं जो नहीं टाइम करना चाहते हैं जो मंथली से एस एपी लगाते है, करते हैं उनको तो सोचने की जरूरत नहीं उनको तो डिसिप्लिन के साथ तेजी हो या मंदी आपका पैसा जाना, जाना चाहिए सिंपल सीजे क्योंकि आपको एवरेज रिटर्न कमाने exactly. है। जिनको वो होता है ना कई बार होता है कि भाई मैं तो टाइम करने की कोशिश करूंगा मैं तो बॉटम पे लगाने की कोशिश करूंगा या गिराउंड लगाऊंगा तो उनको टाइम मेरे ख्याल से उनको लगाना चाहिए आज के तारीख जो आप सलाह दे रहे हैं, वो सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं। खुद एक्ट कर रहे हैं उस पर और फिर आप सलाह देखो वो, वो अपनी मतलब मैं मेरे पैसे पे एक्ट कर सकता हूँ मेरी रिस्क अलग हो सकती है दूसरों की अलग exactly. हो सकती है ठीक है मैं जो पैसा लगाता हूँ मुझे तीन पाँच साल के लिए दस साल के लिए जरूरत ना हो मैं उतना ही लगाता हूँ तो मुझे चल सकता है आपकी अगर तीन पाँच महीने का व्यू है तो फिर आपको सोचना है तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ मैं लगा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यही है कि सब लगाए कॉन्फिडेंस है आपका कि हाँ भाई मुझे यह पता है कि मार्केट बंद नहीं होगा ताला नहीं लगेगा <laughs> मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिर सकता है। गिरेगा होगा हो सकता है अठारह पाँच सौ आ जाए मैं और डालूंगा मैं तैयार हूँ मैं हाँ अठारह पाँच सौ आएगा तो मैं और डालूंगा लेवल निकाल लेंगे उसमें देखेंगे किन लेवल के आसपास और डालना चाहिए अठारह पाँच सौ आएगा और ये मुझे पता है जो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मैं आपको बता भी रहा हूँ सोलह आठ सौ से सत्रह हजार में आपने बॉटम बनाया है और वहाँ से आपने बीस की एक तरफा तेजी देखी है राइट पिछले जून से जी जून दो से 15 जून के आसपास मेरे ख्याल से सोलह आठ सौ सो सत्रह दो सौ सत्रह बराबर वहाँ से हमने एक तरफा तेजी देखी है सो अपने वो मान के चलते हैं इसमें सिंपल फॉर्मूला बना लो पाँच पाँच सौ पॉइंट का फॉल आएगा तो मेरी एसआईपी है जो आना नहीं है फिर उसमें अगर आपका पूरा नहीं भी लगा 50 परसेंट लगा 30 परसेंट लगा सत्तर लगा जितना लगा आपकी किस्मत अगर आपको टाइम ही करना तो फिर आपके या वैसा कर लो आप फॉर्मूला अपना बना लो कि कब और कैसे लगाना वो इंपॉर्टेंट है mm. कि देखो क्या है दीप नहीं तो कभी है ना जिंदगी में आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे yes. कभी नहीं कर पाएंगे और yes. फिर वैसे ही रहेगा कि देखते रहेंगे mm. मंदी में होगा नहीं फिर तेजी होने लगेगी फिर होगा फिर चार दिन पाँच दिन में खाया पिया निकल जाता है सारा mm. पाँच महीने के लो लेवल पर आ गए फिर जो पेपर में रह गया प्रोफिट वापस भाव आपके नीचे आ गए फिर अगली बार की तेजी का इंतजार करो तो पैसा तो आपको खराब मार्केट में ही लगाना पड़ेगा लेकिन खराब मार्केट में लगाने की रिस्क यही है कि ख़राब कहाँ तक होगा कितना होगा ये किसी को नहीं पता so इसलिए नहीं तो इसलिए बेस्ट है मैं जो फॉर्मूला समझता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए अब प्रॉब्लम दूसरी क्या आती है ज़्यादातर तो लोगों के पास पैसा है ही नहीं।, नहीं होता है कि आप पहले से इन्वेस्टेड होते हैं अब वो तो हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है हैं और अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं शांति से बैठिए अगर पैसा है लगाने का मन और ऐसे लोग भी काफ़ी हैं दीप जो पैसा लगाना चाहते हैं तो उनके लिए मौका है धीमे धीमे दस दस बीस बीस परसेंट जितना आपका कंफर्ट हो जिसमें आपको स्ट्रेस ना आए सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रेस लेके ही पैसा कमाना तो फिर क्या मतलब है फिर शांति से आराम से बैठ के लगाइए फंड्स में लगाइए आपके पसंद के स्टॉक्स में लगाइए और मैं तो जैसे हम एस स्टॉक भी दे रहे थे इस समय तो एस स्टॉक का मतलब ही है यही है कि स्टॉक इसलिए इस बार अपने बोला जो जो स्टॉक दस दस परसेंट घटता जाए आप एवरेज कीजिए वहाँ एस कीजिए ये ये तरीके से आप जाइए आपके लिए बेनिफिशियल होगा